इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़ी जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज़्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ही दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।